प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान महिलाओं को सम्मान देने के साथ उनके जीवन को सरल बनाया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि 10 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ बल्कि समाज में उनका सम्मान भी बढ़ा। लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनाव प्रचार तेज करते हुए उधमपुर डोडा कठुआ से भाजपा के उम्मीदवार एवं मौजूदा सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को उधमपुर जिले के रामनगर क्षेत्र में कई चुनावी बैठकों को संबोधित किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले से अपने पहले संबोधन में महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की घोषणा की थी और पहले साल में ही 4 लाख शौचालय बने। मोदी सरकार के इस एक फैसले से देश की महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को लकड़ी के चूल्हों से निजात मिली और आज ये महिलाएं स्वस्थ वातावरण में रसोई गैस चूल्हे का प्रयोग कर रही हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज महिलाओं के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बन रहे हैं और मुद्रा योजना के तहत ऋण लेने वालों में 60% महिलाएं हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटी स्वयं में एक गारंटी है, क्योंकि उन्हें इस बात की गारंटी है कि देश की करोड़ों महिलाएं इस बार भाजपा को 400 के पार पहुंचाने में अपना अहम योगदान देंगी। एक तो बड़ी बड़ी सभाएं और दूसरी छोटी छोटी संख्या में नुक्कड़ सभाएं गांव गांव जाकर के, पंचायत पंचायत जाकर के। आज हम रामनगर के अंदरूनी क्षेत्रों में घूम रहे हैं, पंचायतों के बीच घूम रहे हैं, छोटी बड़ी सभाओं को लेकर के, कहीं महिलाएं कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप। और यहाँ पर आपने देखा कि कितना अधिक उत्साह है, बड़ी भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पधारी है और उससे ये प्रमाणित होता है कि किस प्रकार मोदी जी के प्रति उनकी श्रद्धा है। वो समझती हैं कि मोदी जी ने उनके लिए वो कुछ किया जो आज तक किसी और सरकार ने किया था। उनके लिए शौचालय निर्माण करने का कार्य हुआ, मोदी जी ने लाल किले से उसका आह्वान किया और इतनी संवेदनशीलता से केवल मोदी जी ही समझ सकते थे। उनके लिए उनको रसोई घर के धुएं से निजात दिलाने का काम किया, गैस के सिलेंडर उनको उपलब्ध करवाए, उनके लिए कच्चे मकान से राहत दे करके उनके लिए पक्के मकान किए। तो मैं आज महिलाओं के साथ कोई बहुत ज़्यादा भाषण ना करते हुए संवाद और वार्तालाप कर रहा था और संवाद वार्तालाप में ही उनकी कुछ बात सुनने का प्रयास किया, कुछ अपनी बात कही। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि देखिए, ये सारी जो सुविधाएं आपको मिली हैं ये मोदी जी की गारंटी के कारण मिली हैं। और मोदी जी ऐसे कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी की ही गारंटी है। और आज अब मैं आपके बीच में आया हूँ, इतना उत्साह मैंने आपके अंदर देखा है और आपके चेहरे पे, तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगी कि मैं भी आपकी तरफ से मोदी जी के लिए गारंटी लेकर के जाऊँ कि आपने 19 अप्रैल को चुनाव के दिन सबसे पहले 7 बजे सुबह पुरुषों को मतदान केंद्र पर भेजना है और तब तक उन्हें जलपान नहीं देना, नाश्ता नहीं देना जब तक उनकी उंगली पर काला निशाना देखें। इससे हमारी बहनें बड़ी मुग्ध भी हुई और उन्होंने ये हमें वादा किया कि वो ये सुनिश्चित करेंगी कि 100% उनके परिवारों से मतदान हो ताकि मोदी जी का 400 पार का हम वादा निभा सकें। वो ऐसा है कि जहां वो जीत जाती है दूसरी पार्टियां, वहां ईवीएम ठीक हो जाती है, जहां वो हार जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है लोग इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं।